हेलो वेलकम गाइस गाइस, इससे पहले वीडियो में हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड के इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। और उसमें हमने थोड़ा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कैसे बनता है। इस वीडियो में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें जो है आपके एलिमेंट्स जो है अलग अलग तरीके के होंगे और एक से ज्यादा होंगे सबसे, तो ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, CO2 के लिए। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, आपका एल्गोरिथम वही है गाइस, लेकिन इसमें जो मैं आपको स्टेप बताऊंगे वो आप अगर याद रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी और आपका जो है बनने में भी लगने में भी खूबसूरत लगेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा आपका स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा गाइस, फर्स्ट शेल में तो इसके दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दो तो यहां पे आ गए, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, और ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए हैं और 8 में से 2 गए तो 6 बचे। अब यहां पे आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है फॉर्मूले को देख के, जो एलिमेंट्स कम है उनको आपको रखना है बीच में। कार्बन यहां पे 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन को जो एलिमेंट ज्यादा है उसके इसके चारों तरफ रखना है। फिर आपको देखना है जो ज्यादा वाले एलिमेंट्स हैं उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बीच रख देगा शेयरिंग के लिए, और बचे कितने, 4, वो अपने पास रखेगा। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, 2, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए तो बीच में रख देगा गाइस, और 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने वाला है। अब कार क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कार्बन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे यहां पे शेयरिंग के लिए, और इस कार्बन को भी, तो कार्बन के पास तो होते ही 4 हैं इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा उसके पास। अब ये ऑक्सीजन इन कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, कर ले, और ऐसे ही ये ऑक्सीजन इन कार्बन इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, कर ले, और ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन के साथ इन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है गाइस। अब आपको करना क्या है, इनके बीच में बॉन्डिंग देखनी है कैसा है, रिश्ता कैसा है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बनेगा डबल बॉन्ड, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी डबल 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस तरीके से इसमें भी डबल बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक है। इस तरीके के आपके जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही करने। नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए, H2S के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो आप जो है थोड़ा ट्राई कीजिए H2S, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब H2 इसमें दो एलिमेंट्स, दो तरह के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 और सल्फर का 16 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका तो 1 ही होता है, इसका क्या होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके पास 2, सेकंड में 8 आ सकते हैं इसके पास 8 हैं, और अभी भी इसके पास 6 बच रहे हैं। तो जो कम है एलिमेंट उसको बीच में रख दिया, एच को बीच में, और जो ज्यादा है उसको चारों तरफ, एच को यहां पे और एच को यहां पे आपने। अब जो ज्यादा वाले हैं उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, ये भी बीच में, इसकी वजह से सल्फर को भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयरिंग के लिए रखना पड़ेगा। और सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने थे गाइस, 6, तो 2 तो यहां पे रख दिए हैं, बचे कितने, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली इसने, और इस हाइड्रोजन ने इस सल्फर के साथ शेयरिंग कर ली, और इस सल्फर ने जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की थी वो ऐसे ही, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए सल्फर के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए पूरे, और इस हाइड्रोजन के लिए भी, इस हाइड्रोजन के लिए भी। इस तरीके से आपको देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स भी नहीं लग रहा है और कोई गलती भी नहीं होगी इस स्ट्रक्चर में। अब बॉन्डिंग देखते हैं इनके बीच में कैसी होगी, सल्फर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है इसलिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया गाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन का कंपाउंड, ठीक है, गैस होती है CH4,
इसको हम बोलते हैं मीथेन, मीथेन गैस सी एच फोर। इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है चार है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ उसके चारों तरफ लिखना है। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4 और इसके लिए 1। अब कम कौन है, कार्बन बीच में रख दिया, और ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन चारों तरफ रख दिया आपने। और इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में, ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है शेयरिंग के लिए, इसीलिए कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस के लिए, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, तो ये शेयरिंग कर लेंगे, कर ली शेयरिंग, और इसने भी शेयरिंग कर ली, इसने भी इसके साथ शेयरिंग कर ली, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे ये किसके हो गए हैं, कार्बन के, ठीक है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की वैलेंसी आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरी हो गई। इस तरीके से हाइड्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई है आपकी, ठीक है। आप बॉन्ड कैसा होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो सिंगल बॉन्ड ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स आपका आ सकता है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन गाइस कार्बन का कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका फॉर्मूला होता है, नाम होता है प्रोपेनॉन। अब प्रोपेनॉन का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, लेकिन आप जब नेक्स्ट पार्ट में इसका सीख जाओगे, तो अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पता भी नहीं होगा क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है। जो प्रोपेनॉन होता है वो ऐसा दिखता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ऐसे। अब इन्होंने आपको देख, आप इससे क्या समझते हो, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं गाइस। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है। और इस कार्बन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन जो है सिर्फ चार इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है ना, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो आप यहां से याद रख सकते हो कि जो कार्बन के मैक्सिम जो बनते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं, चार, ठीक है। हाइड्रोजन को एक चाहिए था, ऑक्सीजन को दो, नाइट्रोजन को तीन, और कार्बन को कितने चाहिए, चार। यहां से भी देखते हैं कार्बन 1, 2, 3, 4, यहां पे ऑक्सीजन के साथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इस तरह यहां पे। तो हमें यही देखना है, इसको ध्यान रखते हुए इसको मैं राइट साइड में बता देता हूं थोड़ा सा, हमें इस स्ट्रक्चर को देख के ही बनाना है इसका इलेक्ट्रॉन रोल स्ट्रक्चर। सबसे पहले सी 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 आपका यहाँ पे एच 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 ओ एच एच एच। अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है, तो अपना ये इलेक्ट्रॉन बीच में रख देता है और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है शेयरिंग के लिए। यहाँ पे भी इसने अपना बीच में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया शेयरिंग के लिए। यहाँ पे भी ऐसे एक इलेक्ट्रॉन अपना इसने, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हो रही है। इन्होंने अपना एक एक बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन रख रखा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास होते कितने अच्छे इलेक्ट्रॉन, दो, तो यहाँ पे इसने शेयरिंग के लिए रख दिए, बचे कितने, चार अपने जो इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही कार्बन ने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन अपने रख दिए, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है गाइस, सिंगल बॉन्ड है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बीच में, और यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, आपको सिर्फ सर्कल करना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन की ये वैलेंसी पूरी हो गई, ये हाइड्रोजन के लिए, पहले हाइड्रोजन के लिए कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन के लिए और ये हाइड्रोजन के लिए। इस कार्बन के लिए देखते हैं, इस कार्बन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है, इससे एक, इससे एक, और इससे एक, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपके कार्बन के होने वाले हैं। इस कार्बन के लिए देखते हैं, इसने इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इस ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन की, और इससे एक की, तो चार हो गए ये इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, आठ, देखो चार छह आठ, और ये कार्बन तीन हाइड्रोजन और एक कार्बन से करा हुआ है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
आपका मैक्सिमम ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स, आपको इसको इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अभी हम प्रोपेनॉन जब पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे मेन आपका क्या था, आपको इसका जो है बनाना आना चाहिए। इस तरीके से हमने लेवल 0 से लेवल 3 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं गाइस, आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है गाइस, थैंक यू।